अच्छा जी, एक दसो, तुसी पहली बार इलेक्शन लड़न जा रहे हो, क्या थोड़िया योजनावां हैगी इलेक्शन लैके? दस साल से लगातार MCL, आपको लगता है कि आपको उसका फायदा होगा? मुझे ये भी प्राउड है कि मैं BJP की कैंडिडेट हूँ, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है ऑफ इंडिया। सर, जो विरोधी होते हैं उन्होंने आरोप तो लगाना ही होता है, और जब मैं कंपेनिंग करूंगी, जो भी लोग बताएंगे, जो भी उनकी एसेंशियल नीड्स होंगी, मैं उनको कंप्लीट करूंगी। घर परिवार चलाना और लोगों से मिलना जुलना कैसे मैनेज करेंगी आप? नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा आज थोड़े सामने ऐसे एक नए प्रत्याशी लैके उपस्थित हो रहा, जो वार्ड नंबर 15 तो इलेक्शन लड़ने की तैयारी है। डॉक्टर रजिंदर कुमार की मिसिज है आशा राणी जी। आशा राणी ना रूबरू कराने हैं, गलबात का सिलसिला शुरू करते हैं। आशा जी, स्वागत थोड़ा सिटी हलचल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सिटी हलचल जिन्होंने मुझे लोगों के रूबरू करवाया, और थैंक यू वेरी मच। आशा जी, एक दसो, तुसी पहली बार इलेक्शन लड़न जा रहे हो, क्या थोड़ियाँ योजनावें हैगी इलेक्शन लगे? सर, मेरा भी जैसे मेरे हस्बैंड ने अभी बताया, विकास का ही मुद्दा रहेगा। जैसे उन्होंने बताया, चार काम हमारे, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, गलियां और सीवेज, ये भी मेरा भी यही सेम मुद्दा रहेगा। और जैसे ये सारे काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं, थोड़ा सीवेज का इशू है मलुकपुर कॉलोनी के पास, वहाँ पे हम करवाएंगे उसका काम, अगर मसला हल हो गया। वहाँ पे काम रुका हुआ है, क्योंकि वहाँ पे ना जो गैस की गेल है वहाँ पे, तो उसकी वजह से वहाँ का काम रुका, और उसका मसला हल करके हम ये सारा काम कंप्लीट करवाएंगे। तो पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं आप, डॉक्टर कुमार की मिसेज है, दस साल से लगातार MCL, आपको लगता है कि आपको उसका फायदा होगा? यस सर, एब्सोल्युटली होगा। मुझे बहुत प्राउड है कि मैं डॉक्टर साहब की वाइफ हूँ, और मुझे ये भी प्राउड है कि मैं BJP की कैंडिडेट हूँ, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी है ऑफ इंडिया। तो जैसे आपके हस्बैंड ने बताया ना, डॉक्टर रजिंदर कुमार जी ने बहुत विकास करवाया, उनकी जवानी है, हालांकि जो आपके विपक्ष के लोग हैं वो तो आरोप लगा रहे हैं कि अभी गलियां नालियां कच्ची हैं, पानी की समस्या तो ठीक है, पानी आ रहा है, लेकिन स्ट्रीट लाइट की समस्या, आपको लगता है कि जो विपक्ष जो आरोप लगा रहा है ठीक लगा रहा है? सर, जो विरोधी होते हैं उन्होंने आरोप तो लगाना ही होता है, कभी कभी होता है ऐसे तूफान वगैरह की वजह से, अदरवाइज सब कुछ ठीक चल रहा है। जैसे मैंने बताया, सीवेज की थोड़ी प्रॉब्लम है, और जब मैं कंपेनिंग करूंगी, जो भी लोग बताएंगे, जो भी उनकी एसेंशियल नीड्स होंगी, मैं उनको कंप्लीट करूंगी। क्या सहयोग मिल रहा है? आपने संपर्क शुरू किया, जनसंपर्क लोगों से मिलना शुरू कर दिया? हाँ जी, थोड़ा बहुत किया, अभी करूंगी, कल से स्टार्ट करूंगी। तो क्या सहयोग मिल रहा है लोगों का? लोग मुझ पर विश्वास दिला रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता मुझे भारी भरकम वोट देकर मुझ पर भरोसा जिताएगी। यस सर। तो आपको क्या लगता है, जो नंगल नगर कौंसिल के 19 वार्डों के लिए चुनाव हो रहे हैं, आपकी पार्टी कहाँ खड़ी हुई है? सर, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि BJP पार्टी जो है वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नाउडेज, सो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी जगह पे स्टैंड कर रही है BJP पार्टी। घर परिवार चलाना और लोगों से मिलना जुलना कैसे मैनेज करेंगी आप? सर, मैं मैनेज कर लूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, मेरी बेटी भी जॉब करने लगी है, और बेटा पढ़ रहा है, बेटा भी बड़ा है, बेटा प्लस वन में है, तो मैं मैनेज कर लूंगी। मेरे को लग रहा है कि शहर में सबसे बड़ा वार्ड आपका लग रहा है ना? हाँ जी। काफी मतदाता है, कहाँ तक पहुँच बनाएंगी आप? सर, मैं आई विल ट्राई बाई माई बेस्ट, यस, जो भी लोगों की नीड्स है मैं उनको पूरा करूंगी, और जो भी उनको प्रॉब्लम्स होंगी, टाइम पे मैं उनका साथ दूंगी। ये जो आपको लगता है कि जो आपकी पार्टी में गुटबाजी फैली हुई है, इससे आपका जो चुनाव प्रभावित हो सकता है, क्योंकि सभी लोग जो है ना आपकी पार्टी के एकजुट होकर नहीं चल रहे? नहीं सर, बात ऐसी है ना कि जनता बहुत सियानी होती है, उसको सब पता होता है कि कौन क्या है, कौन क्या है। सो हमने पिछले 10 सालों से, मेरे हस्बैंड ने बड़ी ईमानदारी से काम किया है, और मैं भी ऐसे ईमानदारी से काम करूंगी। तो जनता बड़ी सियानी होती है, वो आपको पता लग जाएगा रिजल्ट पे कि क्या होगा। तो जब इलेक्शन के बाद जीत जाता है ना प्रत्याशी,
हाँ जी। तो बहुत जोर शोर से मुद्दे उठाने पड़ते हैं। आपको लगता है कि आप अपनी आवाज ऐसी बुलंद कर पाएंगी? क्योंकि अगर क्या पता है कि सत्ता आती है या विपक्ष आता है, अगर सत्ता आ गई फिर तो ठीक ही ठीक, अगर विपक्ष आ गई तो विपक्ष को बहुत मुद्दे उठाने पड़ते हैं। सर मेरे हस्बैंड है ना, वो हम दोनों मिलके, पहले तो एक थे हम, एक और एक मिलके 11 हो गए हम ना, तो हम दोनों मिलके ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। सर क्या आप सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इलेक्शन जो आएंगे इसमें मुद्दे क्या होंगे? क्योंकि विपक्ष जो है आप पर बहुत हमलावर होने वाला है, क्योंकि आप वहाँ पर 10 साल से पार्षद हैं। हाँ जी सर। सर वैसे तो मेरा विकास का मुद्दा रहेगा, पर मैं एक जो है जिम बनवाना चाहती हूँ महिलाओं के लिए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरत है जिसकी ना हमारे वार्ड में। और हमारा एक रोड है जहाँ पे गायत्री मेडिकल स्टोर से चक्की के मोड़ तक वो हमेशा टूटा फूटा रहता है। तो जैसे ही हम मलुकपुर वाली साइड से हम एंटर होते हैं ना, तो बड़ा गंदा इम्प्रेशन पड़ता है। जैसे बोलते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, तो मैं ये चाहूंगी कि वो जो रोड है उसको मैं म्यूनिसिपल कमेटी के अंडर लाऊं और उसकी देखरेख मैं खुद करूं, ताकि वो हमारी जो सिटी है वो और भी अच्छे से निखर के आए। तो आपको लगता है कि सत्ता का संतुलन इस बार आपके हाथ रहने वाला है? क्योंकि एक आप खड़ रहे हैं, आपके हस्बैंड भी खड़ रहे हैं, अगर दोहे जीत गए तो लगता है कि चेयरमैन का पद के दावेदार भी हो सकते हैं आप? सर यस सर 100%। आपको लगता है चेयरमैन? यस सर लगता है सर। चेयरमैन के सपने आ रहे हैं आपको? सर आ रहे हैं, बाकी भगवान के हाथ में होता है, वैसे आ रहे हैं। जे भी बहुत बड़ी बात है कि आप कबूल कर रही हैं। हाँ जी मैं कर रही हूँ, आई एम 100% श्योर कि माय हस्बैंड विल बी मेयर, विल बी चेयरमैन अगर जीतते हैं तो। यस। तो बात चल रही है आशा रानी के साथ वार्ड नंबर 15 से, ये बात का सिलसिला बढ़ाते हैं आगे, छोटा सा ब्रेक। अब आपके अपने शहर नंगल के एमपी कोठी मार्केट में रॉयल स्वीट्स पर बेकरी की दुकान खुल गई है। यहाँ आपको मिलेंगे अपनी डायरी के शुद्ध दूध से बनी मिठाई, दही, पनीर व दूध, इसके अलावा पेस्ट्री और आपकी पसंद के अनुसार स्वादिष्ट व उत्तम क्वालिटी के वैष्णो केक भी। तो एक बार सेवा का मौका जरूर दे। वसीम गारमेंट मेन मार्केट वाली दुकान बदलकर अब नंगल भाखड़ा मुख्य मार्ग पर खुल गई है। यहाँ आपको मिलेंगे बच्चों से लेकर लेडीज बच्चांस के एक से बढ़कर एक खूबसूरत डिजाइनों के ब्रांडेड कपड़े, वह भी होलसेल रेट पर। गॉसिप द कैफे लेकर आया है अपने ग्राहकों के लिए एक नया ऑफर, हर मंगलवार एक पिज्जे के साथ पाए एक पिज्जा फ्री। सही दाम सही नाम, विजय ज्वेलर्स नंगल डैम। हाँ जी सर, मेरा एक और मेन मुद्दा ये है कि जो बाबा उदो से कॉलेज तक जो रोड है ना, वहाँ पे बड़ी सुनसान जगह है जो एनएफएल के अंडर आती है, तो वहाँ पे मैं ना एक जंजघर बनवाना चाहती हूँ जो कि बड़ा हो और सारे लोग उसमें उसको यूज कर सके। क्योंकि जो हमारा जंजघर जो हमारे वार्ड नंबर 15 में है ना, वहाँ पे क्या होता है कि रात को लोग शराब पी के लड़ाई करते हैं, हल्ला गुल्ला होता है, बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं पढ़ने के लिए, और जब गाड़ियाँ पार्क होती हैं तो सारा रास्ता रुक जाता है। तो दूसरा काम मैं एक पार्क बनवाऊंगी फार्मेसी रोड के साथ साथ, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा असेंशियल नीड है हमारे वार्ड वासियों को, क्योंकि वहाँ पे अगर ये हमारा बन जाता है तो लोगों को बहुत सहूलत होगी, इससे लोग जो है वो वहाँ पे सैर कर सकेंगे और अपना फ्री टाइम बिता सकेंगे। एक चीज़ बताओ। हाँ जी। जो 19 वार्ड के चुनाव हो रहे हैं, सबसे हॉट सीट आपको कौन सी लग रही है? सर मेरे हस्बैंड की। वो क्यों? क्योंकि सर वो नई जगह से लड़ रहे हैं, तो इसलिए। तो 19 वार्डों में से कितने सीट भाजपा जीतेगी? सर सारे जीतेगी, सारे वार्ड। वो क्यों जीतेंगी जी, सब कांग्रेस पार्टी भी तो मैदान में है ना। सर जो कांग्रेस ने वादे किए हैं ना, कुछ वादे ऐसे हैं जो उन्होंने पूरे नहीं किए हैं, इससे जनता जो है हमारी वो बहुत उनसे विरुद्ध है। तो इसलिए वार्ड नंबर 15 तो आशा कुमारी जी जो साढ़े गलबा कर रहे थे, गलबा किदा लगी जरूर मैसेज करो ताकि अगे तो अगे साड़ा हौसला होर बस।